गैस सिलेंडर वितरण कर रहे हैं, राशन किट दे रहे हैं, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बड़े भाई नेगी निगम भंडारी जी भी पूरे प्रदेश में राशन किट दे रहे हैं, और उसी तर्ज पर उनके आदेश अनुसार पर रोड़ू युवा कांग्रेस भी राशन किट और फल किट जो है वितरण कर रही है। जिस तरह से हमने पीछे गांधी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उसके माध्यम से भी रोड़ू युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता समय समय पर लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि 23 जून को माननीय राजा वीरभद्र सिंह जी, जो पूर्व में 6 दफा मुख्यमंत्री भी रहे हैं और आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता भी हैं, उनके जन्म दिवस पर हम सिविल अस्पताल रोड़ू में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी करेंगे, और उस दिन हम फल किट भी लोगों को फल किट भी वहाँ पर जो जितने भी पेशेंट है उनको हम जो फल किट भी देंगे। और मेरा तमाम युवा कांग्रेस और NSY इंटक सीनियर कांग्रेस की सभी पदाधिकारी से अनुरोध है कि आप भी इस प्रोग्राम में आ पाए और आप जो है ब्लड डोनेट करें। एक और जिस तरह से आजकल पूरे प्रदेश और देश में एक वैक्सीन का जो टीकाकरण हो रहा है, लोगों को जो वैक्सीन का जो आजकल जो एक तरह जो इसका जो स्लॉट है जो बुकिंग करने में लोगों को दिक्कत आ रही है, ये एक तरह से एक लकी ड्रॉ जो साबित हो चुका है। मैं भी आज अभी अपने PSC जांगला में एक वैक्सीन लगा के आया और 9:30 बजे लाइन में खड़ा था, तो और 11:30 बजे वहाँ वैक्सीन आती है। यहाँ पर जितने भी जो कर्मचारी है वो लोग कहीं ना कहीं इसमें अपने भाजपा के इस नेताओं के साथ ये जो है अपनी राजनीति कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को जो है अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए। जब आप जब जांगला का जो स्लॉट में जितने भी लोग हैं 9:30 बजे से लाइन में खड़े थे और वहाँ वैक्सीन नहीं आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है प्रोवाइड करी है, पर ये लापरवाही कर्मचारियों की है।